शहर में धूप और गर्मी जिस तरह से अपने रुख करती है, तब शहर में लस्सी की दुकानें लगने की शुरुआत होती है। हिंगनघाट शहर की लस्सी पूरे विदर्भ में प्रसिद्ध है। तब हर कोई यहाँ की लस्सी चख लेता है तो उसका दीवाना भी बन जाता है। शहर के श्रीराम टॉकीज के लाइन में ग्राहकों की भीड़ बड़ी मात्रा में देखी जाती है। लस्सी लाइन के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। कुल मिला के वहाँ 10 से 12 दुकानें एक साथ रहती है। तब शहर और अलग जगह भी दुकानें रहती है। कुल मिला के शहर में 25 से 30 दुकानें रहती है। कोरोना प्रकोप के चलते संचार बंदी लॉकडाउन कर दिया है, तब शहर के लस्सी व्यवसाय को भी बड़ा फटका पड़ा है। दुकानें बंद है तब लस्सी व्यवसाय की दुकान वालों पे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। तब कुछ जानकारी लेने के बाद लस्सी व्यवसाय ने बताया कि बस 10 दिन हमें व्यवसाय शुरू करने में हुए हैं। तब कोरोना के प्रकोप के चलते देश में और राज्य में लॉकडाउन कर दिया गया, तब हमारे सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। शहर में लस्सी व्यवसाय करने वाला एक दुकानदार कम से कम 30 से 35 किलो का दही का चक्का प्रतिदिन लगाता है। उसके साथ 20 लीटर दूध की आइसक्रीम प्रतिदिन बनाता और पूरे 3-4 महीने आसपास 70,000 रुपए तक का मेवा लगता है। पूरे साल भर का परिवार के पालन पोषण का एकमात्र व्यवसाय है। तब कुछ लोगों ने इस व्यवसाय के लिए बैंक से कर्जा भी लिया है। एक व्यवसायी इरशाद लस्सी वाले, इन्होंने कैनरा बैंक का व्यवसाय के लिए 1 लाख का लोन भी लिया है। अभी बैंक की किस तरह दी जाए, यह एक सवाल खड़ा हुआ है। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया, तब यह व्यवसायिक पूरी तरह से आर्थिक संकट आने से पूरी तरह से बेहाल हो गया है। आज की तारीख में लस्सी दुकानें बंद पड़ी है। जहां पे ग्राहकों की भीड़ दिखती ही थी, आज वहां सन्नाटा छाया है। इतनी मार पड़ी है कि आज तक जो मार नहीं पड़ी हमको, हम 4 महीने का जो धंधा है हम 8 महीने और खाते हैं। हमारा लस्सी का धंधा इतना ही है हमारा, उसके बाद में ऐसे कोई धंधा नहीं। बाकी चाय बनाते, कुछ बनाते, तो कुछ 4 महीने अभी लस्सी चालू हुई, हफ्ता भर हुई, बंद हो गई और उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इसके अंदर में 2-3 लाख रुपए का होता है। आने 19 तारीख से अपनी दुकान बंद है, मार्च महीने की, अभी तक के बंद ही थी। आगे चार आप देखेंगे, ये 30 तारीख बोले, उसके बाद में गवर्नमेंट जाएंगे, SDO के साहब के पास जाएंगे, क्या कैसी क्या बात है, फिर हम क्या करेंगे। 4 महीने हमारा धंधा गया है, पर हमने क्या करना बरसात में। जो हिसाब से है वो हिसाब से हमारे अभी रोजी रोजगार में तो इतना फर्क बहुत पड़ा हुआ है। आर्थिक तंगी तो आई हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और रोजी रोजगार को तो बहुत असर पड़ा हुआ है। हमारा लस्सी के धंधे के ऊपर ही 12 महीने हमारा घर चलता है, पूरा खर्चा उसके ऊपर ही होता है। अभी ये कारण हमारा सबका नुकसान हो गया है। हिंगनघाट से NBCN न्यूज के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट।